नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme P2 Pro वर्सेस Samsung Galaxy F55 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो P2 Pro में 6.35 इंच जबकि F55 5G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो P2 Pro में 2.91 इंच जबकि F55 5G में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो P2 Pro में 0.32 इंच जबकि F55 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 180 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो P2 Pro में OLED कर्व डिस्प्ले जबकि F55 5G में सुपर AMOLED प्लस की डिस्प्ले मिलती है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन P2 Pro में 1080x2412px FHD+ और F55 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो P2 Pro में 90.89% जबकि F55 5G में 86.44% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो P2 Pro में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि F55 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो P2 Pro में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और F55 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो P2 Pro में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और F55 5G की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो P2 Pro में Adreno 710 जबकि F55 5G में Adreno 644 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो P2 Pro में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 और F55 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB 12GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो P2 Pro में 3 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB 512GB की स्टोरेज मिलती है जबकि F55 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो P2 Pro में नहीं है जबकि F55 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी P2 Pro में 5200 mAh जबकि F55 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो P2 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस,
12 GB RAM 512 GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 455G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस, 8 GB RAM 256 GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस, 12 GB RAM 256 GB स्टोरेज के साथ 0 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme P2 Pro में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy F55 5G की तो उसमें 6 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें ये रिजल्ट की तो डिस्प्ले में F55 5G आ गए है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में F55 5G आ गए है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Vivo S19 5G है, तीसरा Honor 200 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G85 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।